दादी नमस्कार। हमारे बेबी किचन एंड हेल्थ टिप्स चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं आशा रानी आज आपके लिए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आई हूँ, शुगर वालों के लिए हरे चने और पालक का साग कैसे बनाएं। वैसे तैसे कोई भी खा सकता है, सबके लिए बहुत ही बढ़िया साग बनता है ये। हरे चने के साग में चने से भी ज़्यादा ताकत होती है, इसमें प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में होती है। और ये देखिए पालक, पालक के अंदर तो अनेकों गुण होते हैं परंतु इसमें कैलोरी की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यह जो हरे चने और पालक का साग है, वैसे तो इसे कोई भी खाए परंतु यह शुगर वालों के लिए रामबाण का काम करता है। और साग शुरू करने से पहले विनती करती हूँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। दूसरी विनती करती हूँ, शुगर वाले मेरे भाई बहन सैर जरूर करें, 45 मिनट सुबह 45 मिनट शाम को। शेयर करके तो देखें आपके आधे रोग दूर हो जाएंगे। यह जीवन बहुत अमूल्य है, आप शेयर करना आज से ही शुरू करें। ये देखिए 500 ग्राम पालक जो हमने अच्छे से साफ करके रखा हुआ है, और ये 250 ग्राम चने का साग, ये भी पहले धो करके रखा हुआ है। ये देखिए अब इसको धो लेते हैं। वैसे तो हमने धो करके रखा हुआ है लेकिन कोई भी साग बनाए उसको कम से कम भी 3-4 बार अच्छे से धोना चाहिए ताकि कोई भी धूल धूल मिट्टी लगी हो अच्छे से साफ हो सके। ये देखिए साफ पानी में ऐसे इसको धो लेते हैं अच्छी तरह से। और ये देखिए साबुत साग कम से कम भी 3-4 बार धोना चाहिए, कोई भी साग बनाए 3-4 बार धोना है साबुत। अब इसको निकाल लेते हैं अच्छे से धोने के बाद। देखिए 500 ग्राम पालक हमने अच्छे से धो करके रखा हुआ है, और ये 250 ग्राम चने का साग इसको भी अच्छे से धोते हैं। पहले धो के रखा है लेकिन फिर भी 3-4 बार धोना बहुत जरूरी है, अच्छे से धोना है ताकि कोई भी धूल मिट्टी लगी हो अच्छे से साफ हो सके। अब इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, ये देखिए। और ये देखिए धुलकर बिल्कुल तैयार है, अब इसको काट लेते हैं। ये देखिए अब इसको ऐसे काट लेते हैं, और ये देखिए ये कच्ची कच्ची डंडियाँ लेनी है, ये देखिए ऐसी। अगर कोई पक्की डंडी है तो उसको आप ऐसे निकाल दीजिए, ऐसे बीच से काट लेते हैं इसको। और ऐसे काट लेते हैं, और साग को स्वादिष्ट बनाने के लिए मसाला कितनी कितनी मात्रा में डालेंगे इसलिए हमारी वीडियो अंत तक देखना। और जब तक साग कटता है, ये देखिए गैस पर हम हंडी रख लेते हैं, जो मिट्टी का बर्तन एक हंडी, और ये देखिए इसके ऊपर हमने मिट्टी लगाई है। मिट्टी इसलिए लगाते हैं ताकि हंडी ज़्यादा आँच से ज़्यादा तेज मतलब आँच रोक सके, और गैस इतनी ही रखनी है, ना ही ज़्यादा तेज और ना ही ज़्यादा कम, मीडियम साइज के चलाना। और इसको पानी को गर्म होने देते हैं, और इसमें एक गिलास पानी डालना। अब इसको ढक देते हैं जब तक पानी गर्म होता है। और ये देखिए हमारा साग कट चुका है, इसको एक बार फिर से धो लेते हैं। और काटने के बाद एक ही बार धोना है क्योंकि साबुत को हमने पहले 3-4 बार अच्छे से धोकर रखा हुआ है। अब इसको एक बार अच्छे से धोने के बाद हंडी में डालते हैं, ये देखिए तब तक हमारा पानी भी गर्म हो चुका है। देखिए सारा डालने के बाद 10 ग्राम लहसुन जो हमने दरदरा कूट करके रखा हुआ है, 10 ग्राम अदरक ये भी थोड़ा दरदरा करके रखा हुआ है, और 50 ग्राम प्याज ये भी दरदरी कूट के रखी हुई है, और ये हरी मिर्च। हरी मिर्च अगर आप कम खाना चाहते हैं तो कम डालिए, ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा, इसलिए हमने 4-5 मिर्च कूट करके रखी हुई है। और नमक स्वादानुसार डालते हैं, और अब हींग, थोड़ा हींग डालते हैं, ये देखिए एक चुटकी हींग इसलिए डालते हैं ताकि गैस ना बन सके। और अब इसको ढक देते हैं और धीमी आंच पर पकने देते हैं। अब देखते हैं हमारा साग पका के नहीं, ये देखिए ऐसे इसके साथ निकाल कर देख लेते हैं। ये देखिए हमारा साग एकदम गल चुका है,
अब इसको देखिए 15-20 मिनट के बाद आराम से पक चुका है। अब इसका पानी निकालते हैं, पहले गैस बंद कर देते हैं। अब इसका पानी बाहर निकालते हैं ताकि इसको अच्छे से गम सके। अब इसका पानी निकालते हैं, ये देखिए ऐसे कटोरी के साथ निकाल लेते हैं। और पानी निकालने के बाद इसको घमते हैं, ऐसे सारा पानी निकाल देना, क्योंकि पानी के साथ ही अच्छे से घमा नहीं जाएगा, इसलिए पानी निकाल देते हैं। अरे देखिए सारा पानी निकालने के बाद ये डोलची के साथ पानी निकाला है ताकि हाथ में, अब इसको अच्छे से घम लेते हैं ऐसे। और ये पानी फेंकना नहीं, ये पानी इसी में इस्तेमाल करना। और फिर इसमें आलन देंगे, इसको अच्छे से घम लेते हैं। और ये देखिए इसको ऐसे ही घमना है, मिक्सी में नहीं। मिक्सी में हम भी कर सकते हैं, लेकिन मिक्सी में नहीं मिक्स करना, इसको ऐसे ही घमना है ऐसे, क्योंकि मिक्सी में अगर करते हैं उसका एक टेस्ट बदल जाता है और इसका अलग ही स्वाद होता है, इसलिए ऐसे ही करना और अच्छे से घम लेते हैं। और अब देखिए घमने के बाद ये देखिए बिल्कुल बारीक हो चुका है, ये देखिए। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये देखिए 3 चम्मच बेसन, इसको ठंडे पानी से घोलते हैं। ठंडे पानी में इसलिए घोलते हैं, ये पानी इसी में डालेंगे, लेकिन अगर हम इसी पानी में डालते हैं तो इसमें गांठ पड़ जाती है, इसलिए ठंडे पानी से घोलते हैं। और ये देखिए अच्छे से घोलने के बाद अब इसमें थोड़ा ये पानी डाल लेते हैं। अच्छे से मिक्स करना है, अगर गर्म में घोलते हैं तो इसमें गांठें पड़ जाती है, इसलिए पहले थोड़ा ठंडा पानी डालना है और फिर इसको अच्छे से, और ये पानी इसी में डालना है क्योंकि प्रोटीन, विटामिन, आयरन और फाइबर सारे इसमें मौजूद हैं, इसलिए पानी डालना। पहले आलन डाल देते हैं, ये देखिए। अब इसके बाद ये पानी डालते हैं, क्योंकि सारी ताकत साग की इसी के अंदर है, ये देखिए। तो फिर से गैस ऑन करते हैं और इसको पकाते हैं, ये देखिए। थोड़ा हल्की आंच पर ही पकाना है, ना ही ज़्यादा हल्की और ना ही ज़्यादा तेज, क्योंकि गैस पर हमने मिट्टी का बर्तन, हांडी रखी हुई है। और देखिए हांडी में भी साग कितनी आसानी से बन जाता है, थोड़ा समय जरूर लगता है, थोड़ा फर्क है 15-20 मिनट का, लेकिन अच्छे से बन जाता है। और देखिए अच्छे से पकाना है, और इसमें मिर्च मसाला और कुछ नहीं डालना, क्योंकि पकते समय हमने सारे मसाले पहले डाल चुके हैं, अब इसको सिर्फ पकाना है। और ये देखिए हमारा साग बिल्कुल तैयार है, चने का और पालक का साग बिल्कुल तैयार है। अब गैस बंद कर देते हैं और इसको रोस्ट, ये देखिए। और ये देखिए, और आलन देने के बाद इसको 10 मिनट पकाना, सिर्फ 10 मिनट। तो ये देखिए हमारा साग बिल्कुल तैयार है। और ये देखिए शुगर वाले भाई बहनों के लिए बनाया, इसलिए इसमें तड़का नहीं लगाया। अगर इसको आम आदमी खाना चाहता है, आम आदमी खा सकता है, ऐसे भी खा सकता है। अगर और स्वाद बढ़ाना चाहता है तो आप इसमें तड़का लगा सकते हैं, टमाटर, प्याज, लहसुन, किसी भी चीज़ का तड़का लगा सकते हैं। और इसको बनाकर आप फ्रिज में रखिए, कम से कम भी 2-3 दिन आराम से खा सकते हैं। शुगर वाले भाई बहन खाएं तो इसको ऐसे ही गर्म कीजिए और खाइए। अगर आम आदमी खाना चाहता है तड़का लगाइए और फिर से खाइए। और शुगर वाले भाई बहनों से विनती करती हूँ, शेयर जरूर करें, 45 मिनट सुबह, 45 मिनट शाम को, और पानी अधिक से अधिक पिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय माता दोस्तों।